फिलहाल वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज का। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता ने हमें प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और हमारा पूरा प्रयास रहा पिछले एक साल में कि राजस्थान की जनता से हमने जो जन घोषणा पत्र में वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करने के लिए हम कार्य कर सकें। आपने देखा होगा कि राजस्थान की मैं पिछले एक सालों में साल में से किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय की बात करें, चाहे हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात करें, चाहे हमारे अलग अलग क्षेत्रों में मेडिकल के क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, नए चिकित्सा सुविधाओं का विकास करने की बात हो, यह ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो राजस्थान की आमदन से हमने किए थे और हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरी संतुष्टि है कि हमने एक साल में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के आमजन की भावना के अनुसार कार्य किया है। और निश्चित रूप से ये एक साल जो का जो कार्य है, हालांकि एक साल में अधिकांश समय आचार संहिता में चुनाव में बीता, उसके बावजूद हमने पूरा प्रयास किया कि हम ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकें। और जहाँ तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात करें, मैं मेरे विभाग की बात करूं तो राजस्थान में 2 विश्वविद्यालय 2013 में पिछली कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खोले गए थे, उन दोनों विश्वविद्यालयों को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए थे, लेकिन दोबारा हमारी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राजस्थान में हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, इन दोनों ही विश्वविद्यालयों को पुनः स्थापित किया गया और हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छे तरीके से जयपुर में चल रहा है। और उसके साथ साथ पहले बजट में हमारे जन घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि राजस्थान के युवाओं को हायर एजुकेशन के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए उसको ग्रामीण क्षेत्र तक प्रसारित किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे लिया जाएगा। तो 50 नए राजकीय महाविद्यालय पहले बजट में खोलना एक ऐतिहासिक निर्णय था, जहां आजादी के बाद आज तक पूरे प्रदेश में 250 राजकीय महाविद्यालय हैं, एक साथ 50 गवर्नमेंट के कॉलेज खोले गए और उसमें भी 10 बालिका महाविद्यालय खोले गए जो बालिका शिक्षा को और ग्रामीण शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। और ये 50 के 50 गवर्नमेंट कॉलेज इसी सत्र में चालू भी कर दिए गए हैं, 10,000 एडमिशन इन दूर दराज गाँव में खोले गए कॉलेजेज में हुए हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कारगर साबित होंगे और राजस्थान के युवाओं को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से कामयाब। सर, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर काफी रिक्त पद हैं, विश्वविद्यालय में पिछले कई महीनों से अस्थिरता का माहौल था। यहाँ के जो वाइस चांसलर है उनके अधिकारों को हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के द्वारा माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला कर दिया गया है और मैं समझता हूं कि एमडीएस विश्वविद्यालय के विकास के लिए अब निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा। जो रिक्त पद है उनको भरने के लिए भी सरकार के द्वारा के पास जो भी प्रपोजल भेजे जाएंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन पदों को भरने के लिए भी हम राजस्थान के तमाम जो विश्वविद्यालय हैं जहाँ लंबे समय से खाली पद पड़े हैं उनको भरने की कार्रवाई भी करेंगे। और ये एक अच्छा विश्वविद्यालय है एमडीएस का, ये अपनी एक अलग पहचान है, तो निश्चित रूप से एमडीएस विश्वविद्यालय को विकसित करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसमें जो सुविधाओं की कमी है उसको पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से कृतसंकल्प है, पूरा प्रयास भी करेगी
और इसके अलावा भी जो स्किल डेवलपमेंट की बात यदि हम करें तो अभी हमने थोड़े दिन पहले ही RSLDC के माध्यम से राजस्थान के करीब 150 कॉलेजेस के साथ एक MOU किया है और उसमें हम बच्चों को जो डिग्री देने के साथ साथ रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ स्किल के कोर्सेज भी करवाएंगे ताकि वो विद्यार्थी अपनी BA, BSc या BCom की डिग्री लेने के बाद वो अपने जीवन के क्षेत्र में यदि वो किसी भी तरह का कार्य करना चाहता है तो उसको उस स्किल डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से उसको लाभ मिलेगा, उसको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, उसको नौकरियों में के अवसर भी मिलेंगे। देखिए जिस प्रकार का वातावरण आज पूरे देश में चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों से जो वायदे किए थे उन वायदों पर ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट 2 बार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में दिया लेकिन आज जिस प्रकार के हालात देश में बने हुए हैं, देश में आर्थिक स्थिति बहुत बुरी स्थिति में आ गई है, GDP की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है, आर्थिक विकास दर नीचे गिरी है, जो व्यापार है, बिजनेस है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत बड़े बड़े औद्योगिक जो घराने हैं उनकी यूनिट्स बंद हो रही है, लाखों जो हमारे युवा हैं उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो एक तरफ जहां उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, वो नौकरियां देना तो दूर रहा, नौकरियां आज जा रही है, लोगों के काम व्यापार बिजनेस प्रभावित हो रहे हैं, तो आर्थिक एक बुरे हालात में हमारा देश गुजर रहा है और इस समस्या को, इस स्थिति को कांग्रेस पार्टी चूंकि केंद्र में विपक्ष में बैठी है तो हमारा नैतिक दायित्व और धर्म बनता है कि हम देश में जो जिस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, सरकार की नींद उड़ाएं, क्योंकि सरकार की मिसमैनेजमेंट, आर्थिक जो प्रबंधन है वो सही नहीं होने की वजह से आज देश में आर्थिक हालात खराब हुए हैं। उसके लिए हमारे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने 14 दिसंबर को जो आह्वान किया है, भारत बचाओ रैली का आह्वान किया है रामलीला मैदान में, निश्चित रूप से राजस्थान के 50,000 का जो टारगेट दिया गया है तो राजस्थान से 50,000 से भी ज्यादा यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के जो राजस्थान के लोग हैं वो दिल्ली की रामलीला मैदान की रैली में जाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले से, राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग जाएंगे और उस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार का और मोदी जी की नींद उड़ाने का।